व्यूवर्स, बेसनी मिस्सी रोटी तो सबको ही पसंद होती है और सबने खाई भी होगी, लेकिन आज हम विदाउट तंदूर ये आपको तवे पर बनाना सिखाएंगे बेसनी मसाला मिस्सी रोटी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार होती है व्यूवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। जिसके लिए मैं सबसे पहले हाफ कप आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो होता है, और हाफ कप हमने इसके अंदर बेसन लिया है, यानी नॉर्मल जो ग्राम फ्लावर होता है वो हमने लिया है। तो हम इसके अंदर डालने वाले हैं, और व्यूवर्स थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे इसके कलर के लिए। आटा डालना ज़रूरी होता है व्यूवर्स, वरना जो बेसन होता है वो थोड़ा टाइट हो जाती है इससे रोटी। कुछ हमने मसाले लिए, जिसमें हमने 1/4 टीस्पून गर्म मसाला लिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो ये मसाले इसमें डाले जाते हैं व्यूवर्स। बाकी जो डालेंगे वो हम इसके अंदर प्याज जो होती है उसको स्लाइस करके हमने छोटा छोटा और कट कर लिया है, ताकि साइडों से इसमें से निकले नहीं रोटी, वरना फट जाती है। तो इसलिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके अच्छी तरह बारीक बारीक इसे कट कर दिया है। और हमने कुछ 2-3 हरी मिर्च ली हैं, जो कि मोटी वाली है, ज़्यादा तेज़ ना लें वरना काफ़ी तीखी हो जाती है, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे अवॉइड करें। और तो हमने इसके अंदर डाला है नॉर्मल, हम थोड़ा चटपटी अच्छी लगती है मिस्सी मसाला रोटी जो होती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दी है 2 ग्रीन चिली, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप कर दें, आपकी चॉइस है। और थोड़ा सा हमने साबुत धनिया को हल्का सा रोस्ट करके उसे क्रश कर लिया, ऐसे ही फ्रेशली ज़ीरा भी हमने इसमें मिलाया था साथ में, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है व्यूवर्स। और हल्का हल्का पानी मिलाते हुए हमें इसका थोड़ा टाइट सा डो तैयार कर लेना है, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, पतला ना हो, और थोड़ा ज़्यादा टाइट भी ना हो व्यूवर्स। इस तरीके से कर लीजिएगा कि नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं उसे थोड़ा हमें टाइट रखना है। अभी देखिए वैसे भी बेसन टाइट ही होता है, अब इसे थोड़ा सा सेट होने रख देते हैं, तो 10-15 मिनट बाद हम इसे देखेंगे तो हमारा आटा जो है काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो देखिए जिस तरीके से नॉर्मल रोटी बनाई जाती है, जैसे हम घर में नॉर्मल ही रोटी बनाते हैं, वैसे ही इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये हमने 4 मिस्सी रोटी के हमने पेड़े बना लिए हैं फिलहाल, और इसे सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे अपने सरफेस को, जहाँ भी आपको रोटी बेलनी है। तो इस तरीके से हमें जो नान बनाए जाते हैं व्यूवर्स, ये बिल्कुल मिस्सी नान लगेंगे आपको, बहुत ही टेस्टी करारे जो होते हैं तंदूर पर ढाबे जैसे, वैसे ही बनेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना लिए हैं, तो सारे पेड़ों को बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखा दें कि क्या करना है आगे। तो ये हमारे पेड़े भी तैयार हो गए हैं, जिस तरीके से रोटी को हम बेलेंगे तो रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसको रोटी को बेल लेते हैं, और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है वैसे भी, और इसे थोड़ा ओवल शेप में बेलेंगे व्यूवर्स। जैसे नान होता है तो तंदूर पे इस तरीके से इसी शेप में बनाया जाता है ये नान मिस्सी रोटी का। तो ये मिस्सी रोटी का हम नान बना लेते हैं, हल्का हल्का से हाथों से सेट कर लेंगे, किनारे ज़्यादा मोटे भी ना हो, तो सारे हम बेल लेते हैं एक साथ ही। और फिर जब हम इसको तवे पर डालेंगे व्यूवर्स, हमें नॉर्मल तवा लेना है जो लोहे का होता है, जैसे नॉनस्टिक तवे पर नहीं बनाई जाती, और एक सरफेस पर हम इसे पानी लगा लेंगे हाथों से। हाथों से पानी अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, और गर्मा गर्म तवे पर आप इसको ऐसे डाल के चिपका दीजिए ताकि ये उखड़े नहीं। और जब तक देखिए थोड़ी साइड पर से बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे से हमारे बबल्स आ रहे हैं, तो रोटी अच्छे से सिक गई है। और इसे उल्टा करके तवे को हमें इसके ऊपर इस तरीके से डायरेक्ट फ्लेम पर रख लेना है आग पर, और ऐसे हमें इसे बना लेना है। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा नान बनकर तैयार हो गया है, मिस्सी का मिस्सी मसाला रोटी का जो नान है, ये तंदूरी मिस्सी मसाला रोटी घर पे हमने बना ली है विदाउट तंदूर व्यूवर्स। और भी बना लेते हैं, तो ये काफ़ी मज़े में बहुत ही अच्छी होती है, टेस्टी होती है। आप इसे रायते चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, तो घर पर ही आप इसे ढाबे का तंदूर का मज़ा ले सकते हैं इस तरीके से बना के। देखिए हमने दूसरी भी तैयार कर ली है, तो चिपक जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एक साइड पर पानी लगा के इसे इस तरीके से ही चिपकाना होगा ताकि तंदूर की तरह ही चिपक जाए। ये देखिए इस तरीके से हमारे जो नान है वो तैयार हो रहे हैं। तो है ना कितनी इजी रेसिपी हमने आपको दी कि आप तवे पे किस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो बाकी नानों को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रखेंगे व्यूवर्स। और ये देखिए कितना अच्छा हमारे ये सिक गया है, और इस पर डायरेक्ट हम देसी घी लगाएंगे जब ये रोटी सिक जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको सेक लेना है, तो ये कहीं से कच्ची नहीं है, आप सोचें। तो देसी घी हमने इस पर लगा दिया है, बहुत ही यम्मी लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे बना लिए, और अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे रायते के साथ, चटनी के साथ, सलाद भी ले सकते हैं आप। तो ये हमारी तंदूरी मिस्सी मसाला रोटी बनकर तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।